हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमित राणा यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे AEW फाइट फॉर दी फॉलन के मैच कार्ड्स के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं AEW के तीसरे पे पर व्यू इवेंट फाइट फॉर दी फॉलन के मैच कार्ड के साथ। गाइस, इस इवेंट में कुल 8 मैचेस और 3 सेगमेंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। इस इवेंट में हमें क्रिस जेरिको की अपीयरेंस भी देखने को मिलेगी, लेकिन AEW ने उनके मैच के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की। जेरिको इस इवेंट में अपने ओपोनेंट हैंगमैन एडम पेज के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिस जेरिको और एडम पेज AEW के अगले पेपर व्यू इवेंट ऑल आउट में AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल के लिए एक दूसरे को फेस करने वाले हैं। और गाइस, AEW ने 2 वुमेन सेगमेंट भी अनाउंस किए हैं, जहाँ बी प्रीस्टली अपना AEW इन रिंग डेब्यू करने जा रही है, लेकिन उनके ओपोनेंट के बारे में AEW ने अब तक कुछ अनाउंस नहीं किया। और वुमेंस के अगले सेगमेंट में हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर का भी अपीयरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन वो किसे फेस करेंगी AEW ने ये भी अनाउंस नहीं किया। गाइस, हो सकता है बी प्रीस्टली और ब्रिट बेकर इस इवेंट में एक दूसरे को सिंगल्स मैच में फेस करें, ये तो इवेंट के दौरान ही पता चलेगा। चलिए अब बात करते हैं मैच कार्ड्स के बारे में। तो पहले मैच की ओर बढ़ते हैं, जो कि होने वाले सोनी किस और पीटर एवलोन के बीच में। सोनी किस को आप लुच्चा अंडरग्राउंड में भी देख चुके हैं, और AEW डबल ओ नथिंग कसिनो बैटल रॉयल में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन इस इवेंट में ये उनका पहला सिंगल्स मैच होगा। अब बढ़ते हैं सिक्स मैन टैग टीम मैच की ओर, जहां जॉय जनेला, डर्बी एलिन और जिमी हैवॉक फेस करने वाले हैं शॉन स्पियर, सैमी गुएवेरा और MJF को। गाइज, इस इवेंट में आप शॉन स्पियर, जिन्हें आप WWE में टाइड डिलिंजर के नाम से भी जानते हैं, वो इस इवेंट में अपना इंडिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। और जॉय जनेला को तो आप सभी लोगों ने फाइटर फेस्ट के मेन इवेंट में जॉन मॉक्सली के साथ फाइट करते हुए देखा था, जहां जॉन मॉक्सली ने ब्रूचोली अटैक करते हुए वो मैच अपने नाम कर लिया था। अगले मैच के बारे में बात करते हैं, जो कि होने वाला कैनी ओमेगा और सीमा के बीच में। और गाइज, हो सकता है इस इवेंट में हमें जॉन मॉक्सली का इंटरफेरेंस भी देखने को मिले। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मॉक्सली और ओमेगा के बीच की राइवलरी हम AEW डबल और नथिंग से देखते आ रहे हैं। जॉन मॉक्सली ने अपने डेब्यू में कैनी ओमेगा पर ब्रूचुअली अटैक किया था और वहीं कैनी ओमेगा ने फाइटर फेस्ट के मेन इवेंट में जॉन मॉक्सली पर ब्रूचुअली अटैक किया था। और गाइस, इन दोनों के बीच हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, जो कि AEW के अगले पे पर व्यू इवेंट ऑल आउट में होगा, और वो इवेंट 31 अगस्त 2019 को होने वाला है। गाइस, अब बढ़ते हैं वुमेंस डिविजन मैच की तरफ, जहां ब्रैंडी रोड्स एली को सिंगल्स मैच में फेस करने वाली हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि ब्रैंडी रोड्स AEW में अपना इंडिंग डेब्यू करने जा रही हैं। इससे पहले उन्हें AEW में सिर्फ कोडी रोड्स के साथ आते ही देखा जाता था, लेकिन अब आप उन्हें रिंग में फाइट करते हुए भी देखेंगे। अगर बात की जाए एली की, तो आप लोग उन्हें TNA इम्पैक्ट रेसलिंग से देखते आ रहे हैं। उन्होंने AEW फाइटर फेस्ट में अपना डेब्यू लेवा बेट्स को हरा कर किया था। इस इवेंट में AEW ने सिक्स मैन टैग टीम मैच भी अनाउंस किया है, जो कि होने वाला है जैक एवंस, डार्क ऑर्डर, एंजेलिको, लुचा सोर्स और जंगल बॉय के बीच में। और गाइस, जो भी टीम इस मैच की विनर होगी, वो AEW ऑल आउट में होने वाले AEW वर्ल्ड टैग टीम टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में पहुंच जाएगी। अगला मैच होगा टैग टीम मैच, जहां सो कॉल अनसेंसर्ड फेस करने वाले हैं लुचा ब्रोस को। गाइस, इन दोनों टैग टीम्स को आप लोग AEW के पिछले 2 इवेंट से देखते आ रहे हैं, और ये मैच भी काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि पेंटागन जूनियर और रे फिनिक्स, इनके मैच में हमें काफ़ी अमेजिंग मूव्स भी देखने को मिलते हैं। और यंग बक्स के साथ लुचा ब्रोस को भी वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीमों में से माना जाता है। गाइस, अब बढ़ते हैं मेन इवेंट की ओर, जो कि एक ड्रीम टैग टीम मैच होने वाला है, जहाँ द यंग बक्स फेस करने वाले हैं कोडी और डस्टिन रोड्स को। आप सभी को AEW डबल और नथिंग में कोडी और डस्टिन के बीच का मैच तो याद होगा, वो काफ़ी ब्लडेड और शानदार मैच था, लेकिन इस इवेंट में ये दोनों भाई टीम अप करके द यंग बक्स को फेस करने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीमों में से मानी जाती है। गाइस, AEW के करियर में यंग बक्स आज तक एक भी मैच नहीं हारी, और अब देखना होगा कि क्या यंग बक्स कोडी और डस्टिन रोड्स को हराने में कामयाब होती है या नहीं। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन इस इवेंट में विनर्स होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.